सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आपका स्वागत है स्काईटेक्स ट्रेडिंग में। और आज इस वीडियो में सीक्रेट कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा। मैंने चार पॉइंट ले लिया हो, यहाँ पे देख सकते हो मैंने ना ये पूरे चार पॉइंट ले लिया हो, जिसमें मैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक प्रिडिक्शन, कैंडलस्टिक की स्ट्रेंथ, वीक रीडिंग और कैंडलस्टिक रीडिंग बताऊंगा। बिकॉज बहुत भाई लोगों ने मुझे कमेंट में भी पूछे थे, यूट्यूब के और टेलीग्राम पर भी मैसेज किए थे, जिन्होंने पूछे थे कि हम नेक्स्ट कैंडल को प्रिडिक्ट करके ट्रेड कैसे ले शॉर्ट शॉर्ट। सो मैं उनको कहना चाहता हूँ गाइज कि प्रिडिक्शन तो करना ठीक है, बट आप प्रिडिक्शन भी कर लोगे, बट प्रिडिक्शन करने के लिए ही हमको है ना प्रीवियस कैंडल पे हमको देखना पड़ता है, उसका साइकोलॉजी को समझना पड़ता है, उसको रीड करना पड़ता है कि कौन सा कैंडल स्ट्रांग है, कौन सा कैंडल वीक है। वीक को रीड करना पड़ता है, कैंडल स्टिक को रीड करना पड़ता है और कैंडल की स्ट्रेंथ देखना पड़ता है। ये तब जाके हम पूरा देखते हैं ये जो रनिंग कैंडल होती है, उसके बाद में हम उस पर डिसीजन लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट कैंडल को प्रिडिक्ट करके वहां पर शॉर्ट शॉर्ट लेते हैं। देखो गाइज, ये बाइनरी ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट नहीं है, हमको सिंगल कैंडल को प्रिडिक्ट करना पड़ता है, उसको साइकोलॉजी को समझना पड़ता है। तो यही आज इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं कि आप कैंडलस्टिक की स्ट्रेंथ को, वीक रीडिंग को, कैंडलस्टिक को कैसे पढ़े और शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड कैसे ले। तो मैंने कुछ मेन कैंडलस्टिक पैटर्न को ही यूज़ किया, बिकॉज वो ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न है कि मार्केट में ज़्यादातर तो बनते हैं और शॉर्ट शॉर्ट लेने में बहुत काम में आते हैं। तो ये मेरे प्रेजेंटेशन बनाया हूँ, तो फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बुलिश कैंडल का बता देता हूँ आप लोगों को। ओके, सो सबको पता है, नहीं भी पता है तो मैं बता दूंगा, यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा एक्चुअली। तो ये जो फर्स्ट कैंडल है ना गाइस, ये फर्स्ट कैंडल में ये जो हैमर कैंडल है, ओके, और ये जो सेकंड कैंडल है ये है ना इन्वर्टेड हैमर है। जो फर्स्ट कैंडल है गाइस, आप लोग बता सकते हो कि ये बुलिश कैंडल में ये स्ट्रांग है, इसका स्ट्रेंथ बता सकते हो ये स्ट्रांग है या वीक है। बिकॉज क्योंकि ये स्ट्रांग सबसे ज़्यादा कैंडल है, क्योंकि ये बुलिश है, बट ये स्ट्रांग कैसे मैं बता देता हूँ। देखो गाइस, ये है ना, जब जब ये बुलिश कैंडल बनने वाला था ना, तब यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से ओपन हुआ तो सबसे पहले बेरिश बनने वाला था, ये बेरिश बन रहा था, नीचे तक रेड कैंडल बन रही थी, पर क्या हुआ पता नहीं, अचानक से यहाँ से ना बायर्स एक्टिव हो गए और बायर्स ने क्या किया, वापस से लेके गया, वीक शैडो बनाया और ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज दे दिया। अब मुझे बताओ गाइज, ये जो वीक है इसमें कौन एक्टिव है? इसमें एक्टिव है बायर्स एक्टिव है, बिकॉज यहाँ पे बायर्स एक्टिव है और बुलिश कैंडल है और हैमर भी है। सो हमारा कन्फर्मेशन मिलता है गाइज, और हम SNR को भी देखते हैं, वो सब कुछ मैं मार्केट भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा और सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो हम नेक्स्ट कैंडल के लिए ग्रीन के लिए जाते हैं गाइज। यहाँ पे बेरिश की तो नहीं लेना पड़ता, चांसेस बहुत कम रहते हैं बेरिश के, बट यहाँ पे बुलिश ही कैंडल बनता है। अब मैंने बताया था ना, क्योंकि वीक में हमको देखना पड़ता है कि कौन सा पार्टी का वीक जो भी कैंडल है, कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, सब कुछ देखना पड़ता है। अब सेकेंड कैंडल में देखो गाइज, ये जो बुलिश का इन्वर्टेड हैमर है, तो ये वीक है क्या स्ट्रांग है? ये वीक है गाइस, बिकॉज कैसे यहाँ पे ओपन हुआ था ये बुलिश कैंडल और ये बुलिश कैंडल ही बनने वाला था, ये ऊपर गया था, वहाँ मारुबुजू कैंडल बन रहा था, बट यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एकदम से है ना सेलर एक्टिव हो गए और सेलर ने क्या है वो नीचे लेके आया, नीचे लेके आया, शेडो बनाया और यहाँ पे जाके क्लोज दे दिया। अब ये जो वीक है यहाँ पे, अब कौन एक्टिव रह गया? यहाँ पे अब सेलर एक्टिव है, बायर्स एक्टिव नहीं है, यहाँ पे सेलर एक्टिव है। भले ये बुलिश का कैंडल है बट यहाँ पे सेलर एक्टिव है, तो हमारे चांसेस है ना रेड की बनेगी गाइस, और ग्रीन की तो मतलब चांसेस रहेंगे 50-50, बट हमारे यहाँ पे रेड ही बनेगी, बेरिश का ही कैंडल बनेगा। तो आपको समझ में आ गया बेरी इन्वर्टेड हैमर और बुलिश हैमर में क्या देखना पड़ता, स्ट्रेंथ देखना पड़ता। हम अब बेरिश कैंडल का भी देखेंगे गाइज। अब देखो गाइज, बेरिश कैंडल में जो ऊपर का जो फर्स्ट कैंडल है ये हैमर कैंडल और दूसरा इन्वर्टेड हैमर, ओके, बट ये जो हैमर कैंडल है बेरिश का, इसमें स्ट्रांग कौन है, इसमें वीक स्ट्रेंथ क्या है इसमें? तो ये सबसे पहले बेरिश ने क्या किया था, यहाँ से ओपन दिया था, ये ओपन देते हुए नीचे ही आया था पूरा, ये बेरिश ही बन रहा था, बट यहाँ से क्या हुआ, इतर यहाँ से कोई लेवल होगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से है ना बायर्स एक्टिव हो गए, बायर्स ने क्या किया ऊपर शेडो बनाया, लेके गया और यहाँ पे क्लोज दे दिया। तो ये जो वीक है हमारी, ये ऐसी थोड़ी वीक बनी है ना, ये वीक में कौन एक्टिव है, यहाँ पे अब बायर्स एक्टिव है और ये हैमर बना है और बेरिश है, तो हमारे है ना बहुत कम चांसेस बनेंगे कि ये वापस से रेड कैंडल बनेगा, बट लेवल नीचे में है, लेवल को टच कर दिया है, यहाँ से लेवल को इसने रेजिस्ट सपोर्ट फील मान लिया है, तो हमारी नेक्स्ट कैंडल कौन सी, ग्रीन के लिए ही बनेगी गाइज 100%। अब ये सेकंड वाली देख लो गाइज, ये जो सेकंड वाली दिख रहे हो, तो यहाँ पे बेरिश ने क्या किया, यहाँ से ओपन किया था और ये वापस से ऊपर गया था, ये बुलिश ही कैंडल बनने वाला था, बट यहाँ से सेलर एक्टिव हो गया, सेलर ने क्या हुआ शेडो बना के नीचे लेके आया और यहाँ पे क्लोज दे दिया। तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है गाइस, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कौन है एक्टिव, यहाँ पे अभी सेलर एक्टिव है, यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम ऊपर से लेके नीचे तक पूरा सेलर एक्टिव है, पूरा सेलर भरा हुआ है, तो नेक्स्ट हमारी शॉर्ट लेके सेल की रहेगी, बिकॉज ये अगर यहाँ से रेजिस्टेंट होगा तो बहुत अच्छी
बात है, क्योंकि ऊपर से अगर रेजिस्टेंस होगा तो बहुत ही अच्छी बात है गाइस, क्योंकि रेजिस्टेंस को फील किया तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस जब भी टच होता है तो वहाँ से सेलर एक्टिव होते हैं और ऑटोमेटिकली पूरे कैंडल में सेलर ही आते हैं। सो हम अभी आगे बढ़ते हैं, तो देखो गाइस जो हमारा दूसरा पैटर्न जो है ना, यह है हमारा मारुबुजू। अब मारुबुजू के तीन प्रकार होते हैं जो कि मैं बता देता हूँ। एक सिंपल मारुबुजू होता है, बट जो दूसरे तरीके का मारुबुजू होता है ना उसके ओपन में है ना वीक होती है, जिसको हम ओपन मारुबुजू बोलते हैं। बिकॉज यहाँ पे ओपन हुआ है तो और यहाँ पे क्लोज हुआ है, ग्रीन कैंडल यहाँ से ओपन बना था, चालू हो गया था और ऊपर गया, यहाँ पे क्लोज हुआ था, इसके ओपन पे वीक रहेगी। और क्लोज मारुबुजू इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ से तो भले ही ओपन होगा, ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज होगा तो क्लोज पे वीक रहेगी, क्लोज पे मारुबुजू रहता है। तो वैसे ही बेरिश में भी रहता है सेम टू सेम, बेरिश में ओपन पे ही मारुबुजू रहता है, ओपन मारुबुजू, बिकॉज बेरिश कभी भी ऊपर से चालू होता है और नीचे में क्लोज होता है, क्योंकि नीचे आते हैं ना कैंडल इसलिए। और वैसे क्लोज मारुबुजू इसलिए क्योंकि ओपन से चालू होता है और नीचे में आके खत्म होता है, तो नीचे में क्लोज मारुबुजू बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसको आपको ये नहीं बोलना है कि ये पूरा मारुबुजू है, बिकॉज इसमें वीक रहते हैं गाइज, और ये वीक को चलते हुए हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एसएनआर इसलिए लगाते क्योंकि हमको इजी से पता चलता है कि कहाँ से कौन सा मार्केट मतलब कौन सा कैंडल बनने वाला है। तो मैं एकदम एनिमेशन तरीके से बताऊंगा आपको सब कुछ ड्रॉ करके। तो देखो गाइज, सबसे पहले हमारा है ना बुलिश हैमर कैंडल बना है। तो मैंने जैसे कि पहले बताया था आपको कि ये जो वीक है, इतना वीक है, इसमें कौन एक्टिव है, इसमें एक्टिव है अभी भी बायर्स एक्टिव है, और ये पूरी कैंडल ऊपर से लेके नीचे तक कौन पूरा भरा हुआ है, बायर्स भरे हुए। तो नेक्स्ट कौन सी बनेगी, बायर्स कैंडल बनेगी। अभी बायर्स कैंडल बनी है और यहाँ पे देखो गाइज ये ओपन मारुबुजू बना है, क्योंकि यहाँ पे ओपन हो गया था ये और यहाँ पे क्लोज हो गया था। मैंने बोला था ना ओपन मारुबुजू बना था, जब ओपन मारुबुजू बनता है ना तो नीचे में एक वीक होता है, ऊपर में वीक नहीं होता है। ओके, ऊपर में वीक इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेलर ने फाइट नहीं किया, यहाँ पे सेलर एक्टिव ही नहीं हुआ, तो इसलिए हम नेक्स्ट कैंडल हमारी ग्रीन कैंडल बनेगी। बट यहाँ पे एक ये एक अलग चीज़ हो जाती है कि यहाँ पे है ना एक वीक बनती है, लंबी सी वीक बनती है ऊपर साइड में और नीचे से छोटी सी वीक बनती है। तो गाइज ये एक तरफा है हमारे इन्वर्टेड हैमर ही बनता ही है। तो इन्वर्टेड हैमर तब बनता है जब देख लेना गाइज यहाँ पे कोई लेवल रहेगा तब जाके बनता है, बिकॉज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल रहता है। इसने क्या किया पता है क्या, ये सबसे पहले ना बुलिश कैंडल ऊपर गया था और यहाँ पे पता नहीं रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ से कौन एक्टिव हो गया, सेलर एक्टिव हो गया, सेलर ने क्या नीचे लाया और यहाँ पे क्लोज दे दिया, और इतने जो वीक में अब कौन एक्टिव है, यहाँ पे एक्टिव है सेलर एक्टिव है। तो हमारी नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनेगी, ऊपर में रेजिस्टेंस है ना वैसे ही नीचे में एक सपोर्ट रहता है गाइस, क्योंकि सपोर्ट से देखो तीन कैंडल एकदम बैक टू बैक बुलिश आया और ऊपर में रेजिस्टेंस फील किया है, वीक भी आना हमारा कंफर्मेशन हो गया। सो हम नेक्स्ट है ना कौन सी ट्रेड लेंगे, हम लेंगे डाउन की ट्रेड लेंगे। अब डाउन की ट्रेड तो लिए है, बट डाउन की ट्रेड में भी देखो गाइस हैमर कैंडल बनाया, हैमर कैंडल बनाया, ये हमारा कंफर्मेशन हो गया। और दूसरा कंफर्मेशन क्या रहेगा, हम वीक देखेंगे नीचे में कि यहाँ पे कौन एक्टिव है, यहाँ पे कौन एक्टिव है, यहाँ पे अभी बायर्स एक्टिव है। ओके, बायर्स एक्टिव है क्योंकि ये जो यहाँ से सेलर एकदम चालू हो गए थे, सेलर यहाँ से एकदम चालू हो गए थे, सेलर ने नीचे लाया, ओके, फिर यहाँ से बायर्स एक्टिव हो गए, बायर्स ऊपर गया और यहाँ तक क्लोज दे दिया, सॉरी यहाँ से ओपन हो गया था, यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज दे दिया। ओके, यहाँ पे क्लोज दे दिया, तो यहाँ पे कौन एक्टिव है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव है और बायर्स हमारा तीसरा कंफर्मेशन हो गया। अब चौथा कंफर्मेशन कौन सा लेगा, हमारे देखो एसएनआर जो लेवल है ना ऊपर में है और यहाँ से लेके यहाँ तक है ना एकदम गैप है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा गैप है और ये गैप को कौन फिल करेगा, यहाँ पे बुलिश कैंडल फिल करेगा। हमारा तीन और ये चौथा कंफर्मेशन हो गया, हम यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट लेके प्रिडिक्शन यहाँ पे हमने एनालाइज कर लिया, एनालाइज हो गया, हम यहाँ पे प्रिडिक्शन लगा के बुलिश कैंडल के और जाएंगे। तो देखो गाइस बुलिश कैंडल बन गया, बट बुलिश कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे एक ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ना, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ना इसको ब्रेक कर दिया। अब ये ब्रेक फेकआउट है, फेक है या ओरिजिनल ब्रेकआउट है, तो देखने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो ऊपर में है ना इसने क्या किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल के पास से रिजेक्ट लिया और नीचे में ही क्लोज दिया। रेजिस्टेंस कौन सा, ये जो दिख रहे हो आप, ये वीक है ना, यहाँ से सेलर आया था एकदम स्ट्रॉन्ग और ये इसने क्या किया, वहाँ टू सेम यहाँ पर ही क्लोज दिया और वहाँ से एकदम से सेलर आए और यहाँ पर ही क्लोज दे दिया, यहाँ पे क्लोज दे दिया। तो यहाँ पे अब कौन बैठे, यहाँ पे पूरे सेलर बैठे, यहाँ पे सेलर बैठे, यहाँ पे सेलर बैठे, इतने पूरे सेलर एरिया भरा हुआ है, क्योंकि अब सेलर एक्टिव हो गए तो एकदम ये कैंडल में सेलर कहीं ना कहीं हो गए। तो हमारी नेक्स्ट कौन सी ट्रेड रहेगी, हमारी नेक्स्ट एकदम स्ट्रांग वाली सेलर की रहेगी, क्योंकि सेलर ने क्या किया था, वापस से तो ऊपर गए, यहाँ से ओपन हुआ था बट ये बुलिश कैंडल बना था या रिटेस लेने के लिए, यहाँ से वापस से रिटेस लिया और एकदम स्ट्रांग नीचे कैंडल बना यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे एक बात हो गई है गाइस, यहाँ पे ना इसने क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया इसने,
ये लेवल को ब्रेकआउट कर दिया। लेवल कौन सा था? ये वाला लेवल था, ये दिख रहे हो, ये जो लेवल था वीक का लेवल था, इसको भी ब्रेकआउट कर दिया। बट एक चीज हो गई गाइस, यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद नेक्स्ट हमारा स्ट्रांग तो आया है यहाँ पे, और उसके बाद में भी एक स्ट्रांग आया है। अभी यहाँ पे ब्रेक स्ट्रांग आया है और इसने क्या किया मैं बता दूँ, ये स्ट्रांग क्यों आया, क्योंकि ये देखो गाइज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है यहाँ पे, सॉरी एकदम यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहे हो गाइज, ये सपोर्ट लेवल है। ओके ये सपोर्ट लेवल था, यहाँ से आना चाहिए था सपोर्ट लेवल को, बट इसने क्या किया यहाँ पे गैप दे दिया। यहाँ पे देखो कहाँ पे मेरा एरो आ गया। ओके ये देखो यहाँ पे है ना गैप है गाइस, ये दिख रहेगा गैप है यहाँ पे, और गैप को फिल कौन करेगा? देखो स्ट्रांग वहां से सेलर्स आया है, स्ट्रांग आया है, और इसने क्या किया गैप भी दिया है यहाँ पे, और इसने अभी तक टच भी नहीं किया है ये रेजिस्टेंस को, ये सपोर्ट को, ये वाले सपोर्ट को टच नहीं किया, इसलिए ये स्ट्रांग एकदम सेलर आया है, ये स्ट्रांग सेलर आया। और इसने भी क्या किया था पता है क्या गाइस? ऊपर में जाके इसने भी रिटेस्ट किया था, क्योंकि इसको स्ट्रांग बनना था और इसको अभी डाउन ट्रेंड बनना चाहिए था, इसको पूरा डाउन ट्रेंड लाना चाहिए। जैसे यहाँ से बुलिश ट्रेंड वो अप गया, वैसे यहाँ से एकदम बेरिश ट्रेंड चालू हो जाएगा। अब बेरिश हो गया तो देखो गाइज यहाँ पे भी स्ट्रांग आया कैंडल, और यहाँ पे भी स्ट्रांग आया, और यहाँ पे अब गैप है, यहाँ पे गैप है, और देख सकते हो आप गैप, इसको ही बोलते हैं गैप फिलिंग। गैप फिलिंग क्यों कहते हैं ट्रेडर? क्योंकि हमको गैप देखना पड़ता है एसएनआर के बीच में। हमारा एसएनआर लेवल ये था, ये सपोर्ट लेवल था, यहाँ से एकदम स्ट्रांग है ना बायर्स आए थे, और यहाँ से जब भी हमारे सेलर चालू हो गए तो ये गैप है यहाँ पे, और गैप को ने गैप फिल करने के लिए हमारे वापस से कौन आएंगे? सेलर ही आएंगे, बिकॉज इसने क्या किया ये वाले सपोर्ट लाइन को भी ब्रेक कर दिया था, सपोर्ट लाइन को भी ब्रेक किया, और स्ट्रांग है ना सेलर कैंडल आया, उसके बाद में हमारा सेलर कैंडल आएगा। देख सकते हो गाइस कितना ईजी था, कितना प्रिडिक्शन कितना ईजी था ना। अब देखो बहुत लोगों को कॉम्प्लिकेट और हार्ड लगेगा, बट मैंने जो बताया ना ये फिर से आप वीडियो देखो गाइज आपको समझ में आ जाएगा। और इसी तरीके से है ना कैंडल स्टिक और वीक को रीड किया जाता है गाइज, और तब जाके हम नेक्स्ट ट्रेड पे प्रिडिक्शन लगा के शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड लेते हैं गाइज। सो आपको समझ में आ गया होगा गाइज, और मैंने ना मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है, वहाँ पर जाके आप सब्सक्राइब और फॉलो और मैसेज कर सकते हो पर्सनली, और मेरे को टेलीग्राम पर भी आप मैसेज और फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे तो मैं सिग्नल्स वगैरह भी देता रहता हूँ और सब कुछ डिटेल्स भी बताते रहता हूँ। तो ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी करना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए तब तक के लिए टेक केयर।